दीपक बेटा, तुम्हें बहुत अच्छा मौका मिला है। सुप्रिया और प्रकाश खुद चाहते हैं कि तुम उनके साथ काम करो। उन दोनों को तो तुम जानते ही हो बेटा, अगर उनके साथ मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करोगे ना, तो जिंदगी बन जाएगी। जिंदगी बन जाएगी, लो इनको मौका मिलना चाहिए। इनकी बकर 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 शुरू है जाए है? का समझा रही है तू दीपक कुमार को? अरे दीपक कुमार कोई बच्चों ना है, वो सब समझे का करना चाहिए और का ना करना चाहिए। का भाई दीपक? जी 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 पापा। और एक बात और बता दूं तो कुमारानी, ये तू प्रकाश और सुप्रिया की मेहरबानी की बात तो करो मत करे। हाँ, अरे अगर दीपक कुमार को नौकरी की जरूरत है तो प्रकाश को भी आदमी की जरूरत है, और हमारा लड़को काम करेगा तो पैसों तो लेगो भाई, जामा का बात है। पापा कैसी बात कर रहे हैं आप? मम्मी ठीक ही तो कह रही है। चुप, तो हमेशा मम्मी की बात सही लगे, लेकिन मैं गलत बात ना कर रहा हूँ। हाँ भैया, तुमने कुछ सुना? अरे सुनूंगा तब जब तू बताएगी। क्या हुआ बता। वो भाभी माँ की कलाई पूरी तरह से खुल गई है, और वो जिस आदमी से अस्पताल में मिलने जाती थी उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। लो बताओ। राधे राधे, बस जाई बात की कसरी है। अच्छा एक बात बता, ये सारी की सारी बात अपने प्रकाश कुमार को मालूम चली कि ना है? अरे पता चल गई होगी, आप भूल जाते हैं उस घर में अपनी प्रांजू के साथ साथ कुछ सुमन भी तो रहती है, उसने पहुँचा दी होगी खबर। अरे नाय नाय उर्मिला, तो सुमन की तो बात ही मत करो। करे बड़ी होशियार है वो लड़की, अच्छी अच्छी बात अपने भैया भाभी को बताए और खराब खराब बात पेट में गप। भाई मोकू लगे मोए ये बात बतानी पड़ेगी। हाँ। रुक जाइए पापा। तू बीच में मत बोले। आप चुप कीजिए और चुपचाप बैठ जाइए यहाँ पर। बिना वजह यहाँ की वाह वाह की यहाँ करते रहते हैं। दीदी आप ही समझाइए अभी ने। हाँ। और देखिए, अगर नमक मिर्च लगाकर ये बात इन्होंने सुप्रिया और प्रकाश से कह दी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन्हें जब पता चलना होगा तो पता चल जाएगा ना, इन्हें चौधरी बनने की क्या जरूरत है। देख प्रमिला तू चुप कर बस। आप बैठ जाइए चुपचाप यहाँ पर। नहीं बैठूंगा, जा। नहीं बैठूंगा, जा। तो मैं भी जाती हूँ। अरे भैया,